प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो नंबर 10 में हम प्रकाश डालेंगे परिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं और वास्तविक संख्याओं के समूहों और उनसे संबंधित प्रश्नों पर। आगे इससे आगे हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के संबंधित प्रश्नों पर। तो हम बात कर रहे थे परिमेय संख्याओं की कि वे संख्याएं परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2/3, 1/2, 5/7 इत्यादि। इनकी एक और विशेषता होती है कि परिमेय संख्याओं का नोट डालेंगे, परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवृत्ति होता है या अशांत आवृत्ति होता है। कक्षा 9 में हम दशमलव प्रसार के बारे में सीख चुके हैं। थोड़ा सा और देख लें, जैसे दशमलव प्रसार है, दो प्रकार का हुआ, शांत और इधर अशांत। अशांत में ये दो प्रकार का होता है, अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति। अशांत का दूसरा नाम अनवसानी भी कह सकते हैं। अशांत आवृत्ति को हम अनवसानी और अशांत अनावर्ती को अनवसानी अनावर्ती भी कह सकते हैं। अनावर्ती इनके उदाहरण में साथ के साथ आपको दे दूं, जैसे 0.5
यानी जो प्रसार, जो दशमलव प्रसार एक या दो अंक के बाद समाप्त हो जाता है वो दशमलव प्रसार शांत होता है। अशांत आवृत्ति का उदाहरण दे दूं, जैसे हमने दो में तीन का भाग दिया तो 0.6666 इनकी यानी अंक छः की आवृत्ति बार बार होगी। किसी भी एक अंक की या दो अंकों की या तीन अंकों की या चार अंकों की आवृत्ति बार बार होती है और दशमलव प्रसार आगे तक बढ़ता ही जाता है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अशांत आवृत्ति या अनवसानी आवृत्ति। अब एक और प्रकार का दशमलव प्रसार, जैसे हमने ले लिया 0.17, 1717, 1717, 1717, 4 बार 1 फिर 7। जैसे ले लिया हमने 2.23, 2.33, 2.33, 2.43। ये सब दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति यानी बार बार किसी एक अंक की आवृत्ति सही क्रम से नहीं होती है, नहीं हो रही है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अशांत अनावृत्ति या अनवसानी अनावृत्ति। ये दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या का होता है, जिसके बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो पांचवे प्रकार की संख्या आती है अपरिमेय संख्याएं कि अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 इत्यादि। √4 क्यों नहीं है? क्योंकि 4 का √2 होता है जो एक परिमेय संख्या है जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे ही √9 का √3 होगा, वो भी एक परिमेय संख्या है। अब नोट डाल लें कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है। इस प्रकार हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में सीखे, और अब अंतिम संख्याएं आती हैं वास्तविक संख्याएं, नंबर 6 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो समूह बनता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जिन्हें हम एक डायग्राम के माध्यम से और समझने का प्रयास करेंगे,
जैसे ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हम सबसे पहले 1, 2, 3, 4 को डालते हैं। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें फिर इनमें 0 और डाल दी, ये प्राकृत थी, 0 और डाल दी, फिर पूर्ण हो गई ये संख्याएं। फिर इसमें ऋणात्मक संख्याएं और डाल दी, फिर ये पूर्णांक हो गई। अब इनको भिन्न के रूप में लिख देते हैं, ये परिमेय हो गई, ये सब संख्याएं परिमेय संख्याओं का रूप धारण कर लेती हैं, और परिमेय संख्याओं में यदि आप अपरिमेय संख्याएं और डाल देते हैं, अपरिमेय भी डाल दी, तो इस बॉक्स में अब है वास्तविक संख्याएं। इस प्रकार से वास्तविक संख्याओं के समूह के बारे में हमने सीखा, और अब अलेक्जेंड्रिया न्यूयॉर्क के शिक्षक यूक्लिड पाइथागोरस के शिष्य की एक प्रमेयिका है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, पहला चैप्टर इस अध्याय का शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, पी और क्यू दो ऐसे पूर्णांक पी और क्यू दो ऐसे पूर्णांक हैं जिनकी विभाजन प्रक्रिया करने पर विभाजन प्रक्रिया करने पर भाज्य क्यू बराबर भाज्य यानी अन्य दो पूर्णांक भाज्य ए बराबर बी गुणा भागफल प्लस आर शेषफल प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में P और Q दो दिए हुए पूर्णांक हैं, P व Q या A व B
ए व बी दो पूर्णांक हैं, तथा क्यू व आर अन्य दो पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान हैं। अन्य दो पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान हैं, कि ए में बी का भाग देने पर क्यू भागफल व आर शेषफल प्राप्त होता है। सूत्र रूप में कैसे जमाएंगे इसे? इस प्रमेयिका को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। सूत्र रूप में a बराबर b गुणा q प्लस r, यानी r से बड़ा होगा b और r बड़ा होगा या बराबर होगा जीरो के, यानी शेषफल जो है वो हमेशा भाजक से कम होगा और शेषफल जीरो या जीरो से अधिक होगा। ये इस प्रमेयिका का प्रतिबंध है। इस प्रकार हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का परिचय प्राप्त करते हैं, उसकी परिभाषा सीखते हैं, उसको सूत्र रूप में जमाना व्यवस्थित करना सीखते हैं, और अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के उपयोग से हम क्वेश्चन हल करना सीखेंगे, तथा दो या तीन धनात्मक संख्याओं का में से महत्तम समा अपवर्त्य ज्ञात करना भी सीखेंगे। तो क्वेश्चन है, अध्याय 2.1 या क्वेश्चन लेते हैं। दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक तीन क्यू व प्लस एक के रूप का होता है। तो देखिए, उस धनात्मक पूर्णांक को जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र है उसमें a के रूप दिया गया है,
तो हम भी धनात्मक पूर्णांक को ए मान लेते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से सूत्र बनेगा हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल शून्य। अब देखिए तो यहाँ बी की वैल्यू लिखो, क्योंकि हमें क्यू इधर क्यू का गुणज तीन है क्वेश्चन में और यहाँ क्यू का गुणज बी है, तो बी की वैल्यू तीन होगी और आर हमेशा कम होता है बी से, इसलिए आर की जो वैल्यू है वो जीरो एक और दो होगी। अब आर के मान बारी बारी से हम प्रमेयिका में रखेंगे और बी का मान भी रखेंगे, तो आर बराबर जीरो रखने पर तो सूत्र को लिखें ए बराबर बी की जगह तीन लिख दें और क्यू प्लस आर की जगह जीरो लिख दें, तो ए बराबर आ गया तीन क्यू। इस पर तथ्य नंबर या समीकरण नंबर निष्कर्ष नंबर एक लिख दें, फिर आर बराबर एक रखने पर आर बराबर एक लिखें तो ए बराबर बी के स्थान पर तीन क्यू प्लस एक, इस पर दो नंबर डाल दें। अब एक व दो से क्या निकल के आ रहा है देखें कि एक में सबसे पहले हमने धनात्मक पूर्णांक को ए माना था, तो ए बराबर क्या आया तीन क्यू, और यहाँ ए बराबर आया है तीन क्यू प्लस एक, तो एक व दो से कोई धनात्मक पूर्णांक तीन क्यू व तीन क्यू प्लस एक के रूप का होता है। इस प्रकार हम और भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन लीजिए इसी प्रकार का, दर्शाइए कि कोई धनात्मक समपूर्णांक दो क्यू वे विषम पूर्णांक दो क्यू प्लस एक के रूप का होता है। तो इसी प्रकार सॉल्यूशन करेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और बी की वैल्यू क्या होगी इसमें देखें, यहाँ क्यू का गुणज दो और यहाँ सूत्र में क्यू का गुणज बी, तो बी बराबर हो जाएगा दो, और बी का जो मान है आर का जो मान है वो बी से सदा कम होता है, तो आर का मान हो गया जीरो और एक। अब आर बराबर जीरो रखते हैं तो ए बराबर
दो क्यू प्लस जीरो आर, तो ए बराबर हो गया दो क्यू, नंबर एक डाल रहे हैं। और कोई भी गुणज, कोई भी संख्या जो दो का गुणज होती है वो सम पूर्णांक होती है, तो दो का गुणज है, यहाँ पर q जो है दो का गुणज है, दो का गुणज है, अतः संपूर्णांक है, संपूर्णांक है। अब r बराबर एक लिखें तो a बराबर दो क्यू प्लस एक। अब सम संख्या में यदि आप एक जोड़ते हैं तो वो विषम पूर्णांक हो जाएगी, सम में एक जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा, तो ये विषम पूर्णांक हो गया। अब एक व दो से कोई धनात्मक सम पूर्णांक दो क्यू व विषम पूर्णांक दो क्यू प्लस एक के रूप का होता है। इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक संपूर्णांक या धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप दर्शा सकते हैं। और हम अगले वीडियो में इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से किसी धनात्मक पूर्णांक का या किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का या किसी धनात्मक संपूर्णांक का वर्ग किस रूप में होता है, तो उस वर्ग और घन के रूप का अगले वीडियो में तय करेंगे। धन्यवाद।